अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए आपका दिल्ली वाला स्टेशन है और ये आपका मुंबई का स्टेशन है। तो आपकी ये दो ट्रेन हैं, फर्स्ट ट्रेन एंड सेकंड ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन आपका 10 AM से स्टार्ट होती है, दिल्ली से स्टार्ट होती है 10 AM से, और मुंबई पहुंचती है फर्स्ट ट्रेन आपका 9 PM पर। सेकंड ट्रेन जो है वो आपका 8 AM से स्टार्ट हो रही है मुंबई स्टेशन से, और दिल्ली स्टेशन पर आपका पहुंच रही है वो 7 PM पर। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है वो टाइम जिस टाइम पर ये दोनों ट्रेन आपका मेट करेंगी। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि दिल्ली और मुंबई के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये दिल्ली और मुंबई का जो डिस्टेंस है ये क्या है, आपका डिस्टेंस जो है ये कॉन्स्टेंट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो देखिए 10 AM से 9 PM यानी फर्स्ट ट्रेन को 11 आवर लग गया, सेकेंड ट्रेन 8 AM से 7 PM यानी सेकेंड ट्रेन को भी 11 आवर का टाइम लग रहा है, यानी फर्स्ट ट्रेन को भी 11 आवर का टाइम लग रहा है, सेकेंड ट्रेन को भी 11 आवर का टाइम लग रहा है, यानी दोनों ट्रेन को सेम टाइम लग रहा है। इसका मतलब दोनों ट्रेन की स्पीड भी सेम होंगी, यानी फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन दोनों की स्पीड क्या है यहाँ पर, सेम है। अब देखिए रेशियो में आप कोई वैल्यू अगर एज्यूम करते हैं तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेशियो में वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि ए रेशियो बी, अगर मान लीजिए आपका 2/3 गिवन है, तो अगर मान लीजिए कि आपने इसको 8 एज्यूम किया हुआ है तो ये आपका ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेशियो अगर आप ले रहे हैं तो वहां पर अगर आप कुछ एज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं ये आपका 4 वाला फैक्टर जो है यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहां पर एज्यूम भी कर सकते हैं, वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, आपकी वो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्रेन को भी 11 आवर लग रहा है, सेकंड ट्रेन को भी आपका 11 आवर लग रहा है, तो स्पीड देखिए हमें नहीं पता है, इन दोनों ट्रेन की स्पीड नहीं पता है और ये डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है। तो एक काम हम करते हैं कि हम यहाँ पर इसकी स्पीड को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। देखिए ये हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका जो भी हम एज्यूम करेंगे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको फॉर्मूले लगाकर भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो रेशियो लेंगे तो वो जो आप जो एज्यूम करेंगे वो एज्यूम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए कि इस ट्रेन की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड भी हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है, टाइम सेम है, तो स्पीड भी आपका दोनों ट्रेन की सेम होगी। 11 आवर में ये कितने डिस्टेंस कवर करेगी, 11 आवर में ये 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, यानी दिल्ली और मुंबई की जो डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर हो जाएगी, और इन ट्रेन की स्पीड भी हो गई 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये 8 AM से ट्रेन स्टार्ट हुई है, यानी 10 AM तक ये 2 किलोमीटर आपका रन कर चुकी होगी। ये सेकेंड ट्रेन आपका 8 AM से स्टार्ट हुई है तो ये 10 AM तक ये ट्रेन आपका 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुकी होगी, क्योंकि ये 1 किलोमीटर पर आवर से आपका आ रही है। अब यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रेन देखिए सेम टाइम से स्टार्ट हो रही हैं, ये भी 10 AM से स्टार्ट हो रही है और ये भी 10 AM से स्टार्ट हो रही है, और ये डिस्टेंस रिड्यूस होकर के अब कितने हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर ये रन कर चुकी है, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन में भी आपका 10 AM पर यहां पर होगी और डिस्टेंस रह जाएगी आपकी 9 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड भी है आपका 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कितने टाइम बाद मीट करेंगी, ये मीट करेंगी 9/1+1। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन आ रही है, 1 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन आ रही है, 9 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। तो टाइम आपका कितने टाइम बाद वो मीट करेंगे, वो मीट करेंगे 9/2, तो ये आपका आ जाएगा 4.5 आवर, यानी आफ्टर 4.5 आवर वो दोनों ट्रेन आपका मीट करेंगी। अब चूंकि इन दोनों की स्पीड सेम है तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली 4.5 किलोमीटर पर आपका ये मीट करेंगी, इधर से भी 4.5 होगा और ठीक है ना, अब कभी मिड पर ये मीट करेंगी, इन दोनों के मिड पर ये दोनों ट्रेन आपका मीट करेंगी, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है आपका सेम है। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम देखिए 9 किलोमीटर इनको कवर करना है, इसकी स्पीड भी 1 है, इसकी स्पीड भी 1 है, तो टाइम हो जाएगा 9/(दिस स्पीड प्लस दिस स्पीड) यानी 9/2 यानी 4.5 आवर, यानी इस 10 AM के 4.5 आवर के बाद ये दोनों ट्रेन आपका मीट करेंगी। तो यही टाइम आपको कैलकुलेट करना था, तो टाइम हो जाएगा आपका देखिए वो 4.5 आवर को हम कन्वर्ट करते हैं आवर मिनट में, तो 4.5 आवर आपका हो जाएगा 4 आवर एंड 30 मिनट, ठीक है ना, 4.5 आवर हो जाएगा 4 आवर एंड 30 मिनट। तो आपका 10 AM से स्टार्ट हुआ है तो इसमें 4 आवर 30 मिनट आप ऐड कर दीजिए तो 2:30 PM, यानी ये दोनों ट्रेन आपका मीट करेंगी 2:30 PM पर।
देखिए ये 4.5 आवर को आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 आवर का तो ये हो गया आपका 4 आवर का, और ये 0.5 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 30 मिनट आ जाएगा, यानी 4 आवर 30 मिनट। तो ये आपने कैलकुलेशंस किया है आफ्टर 10 AM, तो 10 AM में आप 4 आवर 30 मिनट को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 आवर 30 आपका आंसर आ जाएगा 2:30 PM।